क्या डिस्कस किया था कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो आप सबको पता है कि जो उसके बीच में फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। कुछ पॉइंट्स हम लोग अभी पीछे की डेरिवेशन से उठा रहे हैं, है ना। इसकी फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट राइट टू लेफ्ट, इस नेगेटिव फील्ड भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट राइट टू लेफ्ट, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में मिलाते हुए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने बीच में एक डायरेक्ट्रिक्स रख दिया यहां पे। अब डायरेक्ट्रिक्स रखने में क्या होगा, जब डायरेक्ट्रिक्स रखते हो आप, तो डायरेक्ट्रिक के रखने पे उस स्पेस में जितने में डायरेक्ट्रिक होता है वहां पे फील्ड के डाइव्स कम हो जाती है। फील्ड अगर के डाइव्स कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ये जो एयर है ये एयर है, यहां भी एयर है या वैक्यूम बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और एयर, जिसको मैं ईवन लिख रहा हूं, लिख लेना प्रॉपर नोट्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर विच इज ईवन एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, समझे। डायरेक्ट लिख सकते हो बोर्ड में, चलेगा। अगर बोर्ड में डेरिवेशन आती है डायरेक्टली राइट कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आपको पता होना चाहिए इसकी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है, मिला के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब फिर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन डायलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन डायलेक्ट्रिक विच इज ई टू विच इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। रट लो भाई, याद ही हो गया होगा कि कहीं भी डायलेक्ट्रिक आ गया तो डायलेक्ट्रिक के आने पे जितनी स्पेस में फील्ड थी उससे के डाइव्स कम हो गई, तो विदाउट डायलेक्ट्रिक यहां पे फील्ड ये वाली होती है, अब फील्ड इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो देखिए भाई अब आप बताए फील्ड यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं होती नहीं है, वी एज्यूम कि फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मुझे बताएगा व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जब आप यहां से यहां चलोगे तो आप मुझे बताइए आपने एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हाउ मच डिस्टेंस व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन एयर, डी माइनस टी, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। और कंडक्ट जो हमने इसमें डिस्टेंस कवर की वो टी है, किसमें, इसमें टी कवर की। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ई वन, जो कि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एयर की डिस्टेंस है डी माइनस टी, प्लस जो इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस आया तो कम हो रहा ना पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, कुछ डिक्रीज यहां आएगा कुछ डिक्रीज यहां आएगा, इन दोनों का जो मिलाकर डिक्रीज आया है वो ये है, यहां पर कितना डिक्रीज आएगा ई टू टी, लिखिया बस, और इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप लिख लिया हमने, ई वन डी माइनस टी प्लस ई टू टी, ई वन इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई वन इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, E2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को भी राइट क्यू बाई, सिग्मा को क्यू बाई लिखते हैं, क्यू को बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो ये बचेगा बी माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन, सिग्मा को मैंने क्यू बाई लिख दिया, ठीक है, क्यू को बाहर निकाल दिया मैंने, एंड प्लस यहां भी क्यू बाई लिखोगे नोट करिए यहां तक। अब मैं इसको क्यू बाई बी करूंगा, ठीक है, मैं इस बी को नीचे ले आऊंगा, ठीक है,
इधर और इस पूरे को इधर नीचे लेके जाऊंगा, ये जो पूरा स्टेप लिखा है ना क्यू बाई वी, तो क्यू को यही रहने दो, वी को नीचे ले आओ और इस पूरे को यहां नीचे ले आओ, तो ये हमारा कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो देखिए जब मैं क्यू बाई वी करूंगा है ना, देखिए क्या आएगा क्यू बाई वी करने पे, सिंपलीफाई मत करना, मैं जिस फॉर्म में लिखूंगा आपको उसी फॉर्म में याद रखना है, आप बहुत सिंपलीफाई मत करना। तो फाइनल पता चलेगा ये क्या बस उसका फॉर्मूला हो गया, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी वाई। अरे बिल्कुल रटना है अर्चित, रटना है भाई, रट्टा मारना है, रट्टा में बताता रहूंगा भाई, बोर्ड में डेरिवेशन है लिख लो और फॉर्मूला जो इधर से ओपन डायरेक्टली याद होना चाहिए, और इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में मैंने लिखा है डी माइनस टी प्लस टी वाई के, इस फॉर्म में आप फॉर्मूले को याद रखोगे। अगर यहां पे एक से ज्यादा स्लैब्स हैं टी वन के वन टी टू के टू एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी हमारी रखी हुई है यहां पे बीच में, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 plus T2 plus T3 so on Tn plus T1 by K1 plus T2 by K2 so on Tn by Kn। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, उसी तरह से बिल्कुल डेरिवेशन होगी, समझे थिकनेस टी वन है टी टू है, यहाँ पे डिफरेंस फिर निकालोगे, अगर आप स्टेप से कुछ ले आओगे एस एंड अपॉन टी माइनस टी वन प्लस टी टू सो ऑन टी एन प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू एंड सो ऑन टी एन बाई के एन, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा मल्टीपल स्लैब्स है। तो इफ यू हैव मल्टीपल स्लैब्स, ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, देखिए तो पॉइंट सबको समझते हैं, अगर उसके बीच का जो स्पेस है, जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का स्पेस है, अगर उसमें पूरे में डायरेक्ट्रिक फिल कर दें, मतलब जो थिकनेस थी, जो डायरेक्ट्रिक की थिकनेस थी उसको मैंने जो प्लेट्स का सेपरेशन उसके बराबर कर दिया टी इक्वल टू टी, है ना, टी इक्वल टू टी, तो क्या होगा देखो आप यहां पे टी पुट कर दो आप टी के प्लेस पे, डी माइनस डी प्लस डी बाई के एंड दिस विल बी वही फॉर्मूला आ गया हमारा, देखो ए के एप्सिलॉन नॉट बाई टी, जब कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड होता है C is equal to A K epsilon upon T, जो भी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या था, इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड, अगला पॉइंट है कि अगर मैं उसके प्लेस पे एक कंडक्टिंग स्लैब रखूं, अरे अर्चित कौन सा डाउट है भाई, शायद स्किप हो गया, मैं देखता हूं भाई क्या पूछ रहे हो, बताओ क्या पूछ रहे हो, डाउट क्या, डाउट क्या है। अच्छा बाकी लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं उस स्लैब की जगह एक डायरेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर रख दूं, कंडक्टिंग स्लैब रख दूं तो क्या होगा,
अर्शद ब्रो क्या डाउट था भाई, दोबारा उसको कॉपी पेस्ट मारना। यार दूसरे से रिकॉर्ड हो रहा है सत्यम, एक पे रिकॉर्ड हो रहा है, एक पे लाइव चल रहा है एक्चुअली। अभी फिर मैं चेक करूंगा ठीक है, अगर डायरेक्ट्रिक हाफ है एरिया मतलब साइड है, यार दोबारा पेस्ट मारूं अर्चित, दोबारा पेस्ट मारो उसको कॉपी पेस्ट। अगर डायरेक्ट्रिक हाफ है हाँ बिल्कुल यार, अगर तुमने पूरा स्पेस नहीं भरा है तो उसी हिसाब से कम हो जाएगा ना, अगर तुमने पूरे स्पेस पर डायरेक्ट्रिक नहीं भरा है उसी हिसाब से कम हो जाएगा, और क्या है ना। बट हमें ई इंटू डी करना है, ध्यान रखना हमें ई इंटू डी से निकालना है, वो कितना भरा है उस हिसाब से देख लो आप कितनी लेंथ पर रखी है ना। तो मैं आपसे पूछा था कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर रखते हैं, कंडक्टर का जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है, के ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, d माइनस टी प्लस टी बाय इनफाइनाइट, ये वैल्यू आपकी लगभग जीरो आ जाएगी, तो यू विल गेट ये वाली कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी एफ एंड अपॉन टी माइनस टी। ठीक है, अगर हमने वहां पे उसके प्लेस पे एक देखो मैट्रिक के इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि कंडक्टर में बहुत सारा फ्री चार्ज होता है, जैसे डायपोल में तो बाउंडेड चार्ज होता है लेकिन कंडक्टर में बहुत ज्यादा फ्री चार्ज होता है। तो कंडक्टर को जब भी आप फील्ड में रखते हो ना, कंडक्टर को आप जब भी किसी फील्ड में रखते हो तो कंडक्टर के अंदर अबंडेंट चार्ज है और वो कुल मिलाकर फील्ड को जीरो कर देता है, समझे। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो हो जाती है जब भी आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इसलिए कह सकते हैं उसका के इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है वो हाईली पोलराइज्ड है, सबसे ज्यादा पोलराइज्ड है, जितना उसको जरूरत होगी वो अपने आप को उतना ज्यादा पोलराइज कर लेगा टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड इट। भाई अगर पता है कंडक्टर को जब आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो उसका चार्जेस पोलराइज हो जाते हैं, एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, और वो मिला के कुल फील्ड को उसको जीरो करना होता है, और ऐसा करने के लिए उसको जितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ऐसा करने के लिए उसको जितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी उसके पास उतना चार्ज है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अबंडेंट बोल सकते हैं। बट डायपोल ऐसा नहीं कर सकता है, डायपोल इज बाउंडेड। अगर आप कहीं भी डायपोल को रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कभी भी डायपोल अपने अंदर की फील्ड को जीरो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में चार्ज है, वो डायपोल्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जेस नहीं होता उनमें, तो सर्टेन एक्सटेंट तक वो फील्ड को क्या करता है, कम कर देता है। लेकिन कंडक्टर में अबंडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितना उसको पोलराइज करना है आप कितनी भी फील्ड लगा लो वो उतना चार्ज लेफ्ट राइट पोलराइज करके नेट फील्ड को जीरो कर लेगा, समझे। उसके पास बहुत सारा फ्री चार्ज है, हाईली पोलर बिहेवियर है उसके पास, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे है ना, इट कैन क्रिएट हाईली पोलर बिहेवियर, इसलिए हम बोलते हैं इसका के इनफाइनाइट है कंडक्टर में, समझे। तो ये पोलराइजेशन की डिग्री को चेक करता है कि कहां पे कितना ज्यादा पोलराइजेशन है, डायपोल में भी पोलराइजेशन होता है लेकिन वो बाउंडेड होता है, लिमिटेड होता है, और कंडक्टर का पोलराइजेशन आप कितना भी कर लो, जितना आपको मन हो, जितनी आपको नीड हो, ठीक है। कंडक्टर को एक्टिव फील्ड रखने पे, जैसा आप किसी कंडक्टर को एक्टिव फील्ड में रखते हो, ये कंडक्टर है, यहां पे नेगेटिव आ जाता है, सारा प्लस यहां पहुंच जाता है, और इसके अंदर एक फील्ड आ जाती है प्लस से माइनस, तो पता चुका ना कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड साइड कनेक्टर जीरो, और कनेक्टर क्या करता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो एक्जेक्टली उतनी फील्ड अपने अंदर डेवलप कर लेता है, और ऐसा करने के लिए इसको जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी उसको करने के लिए फ्री है, ठीक है। बात समझ आई कि जितने भी चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी उसको ये फुलफिल कर सकता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आपने थ्योरी पढ़ी है पैनल प्लेट कैपेसिटर की, कल हम लोग कैपेसिटर्स में स्फेरिकल शेल है दो तीन है, कल डेरिवेशन हमारी सारी खत्म हो जाएंगी इसकी, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ उसकी एनसीईआरटी से एचसी वर्मा से कहीं से भी थ्योरी पढ़िए आप, और पोटेंशियल की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। मुझे पता है अभी आपका पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज आप लोग पोटेंशियल की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, ठीक है। कैपेसिटर्स में अभी दो तीन दिन थ्योरी चलेगी, आप रिलैक्स रहोगे,
2-3 दिन के बाद फिर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तो स्टिल यू हैव 2-3 डेज, 2-3 दिन है जो भी आपका सिंगेज से अच्छी से काम पेंडिंग है यार। वो चीज अलग है अमन, सभी कंडक्टर में इनफाइनाइट चार्ज, मतलब वो बहुत ज्यादा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। अब वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है ना, वो अभी हमें पता चलेगा यार जब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यार कोरोना डिस्चार्ज में मैंने आपको बोला था यार, अब सत्यम तुम मुझे भी फोन मिला लेना, बात कर लेना, ठीक है, बता दूंगा तुम्हें मैं। कोरोना डिस्चार्ज पे कौन से क्वेश्चन बनते हैं आएंगे, मैं उस टाइम करा दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप पोटेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी पेंडिंग है 2-3 दिन। अभी हमारी 2-3 दिन सिर्फ कैपेसिटेंस की थ्योरी चलने वाली है, और 2-3 दिन के बाद एकदम से लोड बढ़ेगा, सोच लो बस आपका 2-3 दिन है, उसके बाद कैपेसिटेंस में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगा कोरोना डिस्चार्ज पे, वो चार्ज लीक कर जाता है एयर में, उसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। मैंने आपको वीडियो में बोला भी था कि आपको अपने आप पढ़ना है कि व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ के आए, नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलो 2-3 दिन कैपेसिटेंस की थ्योरी करते हैं, ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। इन बिटवीन आप एच सी वर्मा, सिंगेज, डी सी पांडे जो भी कर रहे हो उसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, और ग्रुप पे शेयर करते रहिए प्रॉब्लम, मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं कल भी लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है।